हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉपअप राउंड के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मॉपअप राउंड होता क्या है। एनटीए के द्वारा फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद जो राउंड कंडक्ट किया जाता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, वही मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड के बाद भी एक राउंड होता है जिसको कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, ठीक है। तो उसकी बात में करेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग मॉपअप राउंड के बारे में जानेंगे। तो और ये स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में होता है, और दोनों में ये सेकंड राउंड के बाद ही होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि मॉपअप राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉपअप राउंड में वे सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, फिर चाहे उनको कॉलेज अलाउड हुआ है या नहीं हुआ है। वो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे, पार्टिसिपेट किए थे या फिर नहीं किए थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो किसी कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं लिए हैं वो सभी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश पेमेंट करना होगा। तीसरा क्वेश्चन कि मॉपअप राउंड का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो एग्जैक्ट तो नहीं, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉपअप राउंड का जो कट ऑफ होगा जनरल के लिए वो 599 प्लस होगा। मतलब जो भी जनरल कैटेगरी के हैं और उनका मार्क्स 599 प्लस है तो उनको ज़्यादा चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा मॉपअप राउंड में। तो उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए अगर वो अभी तक फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में नहीं किए हैं, या फिर किए थे और उनको कॉलेज नहीं मिला है तो भी उनको कॉलेज मिल जाएगा मॉपअप राउंड में, तो वो टेंशन ना ले। ओबीसी के लिए 598 प्लस रहेगा, EWS के लिए 596 प्लस होगा, SC के लिए 471 प्लस, ST के लिए 483 प्लस होगा, ठीक है। तो ये चांस है कि इतना जा सकता है मॉपअप राउंड में, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस मतलब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसमें कि चांस है कि इतना हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।